वेलकम टू हैशटैग जुगाड़ विद अंकुश सर। बच्चों, लास्ट एपिसोड आपने देखा, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। मैंने देखे आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स। तो ऐसे ही देखते रहिए, सीखते रहिए कुछ नया नया हर लेक्चर में। तो आज का है एपिसोड 2 ऑन हैशटैग जुगाड़ विद अंकुश सर। ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसमें एपिसोड 2 में भी हम ट्रिग्नोमेट्री के ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अलग अलग। जैसे मैंने कहा था कि मैं 2021 के भी कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा और वो हम सॉल्व करेंगे। तो हियर आर द क्वेश्चंस दैट वी हैव। तो ये जेईई मेंस 2021 में आया हुआ है, राइट? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक्स इज बिटवीन 0 टू पाई, एक्स वाई दोनों ही 0 और पाई के बीच में। ये इंफॉर्मेशन ना सबसे काम की होती है हमें जुगाड़ लगाते हुए। 0 से पाई मतलब 0 से 180 के बीच में। तो एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 0 और 180 के बीच में है, और हमें जो रिलेशन दिया वो है कॉस एक्स प्लस कॉस वाई माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3/2। ओके, और फिर हमें कुछ निकालने के लिए कहा गया है, साइन एक्स प्लस कॉस वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे? थोड़ा अगर आपको सॉल्व करना है तो कर सकते हो, सॉल्व करना भी आसान है ना, अगर फॉर्मूले से करोगे वगैरह। लेकिन कुछ बच्चे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले क्लिक नहीं होते, उन्हें लगता है सर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या करूंगा, कैसे होगा, एकदम डर जाते हैं। तो आपको आराम से जब भी ट्रिग्नोमेट्री आएगा ना, आप लंबी सांस लीजिए और आराम से सोचिए यार कुछ जुगाड़ हो सकता है क्या, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के 90% ऑफ द क्वेश्चंस जुगाड़ से निकल जाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। तो कुछ जुगाड़ हो सकता है क्या? 3/2 चाहिए मुझे। 3/2 कैसे आएगा यार, हाफ 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 हो जाता तो हो जाता ना। अच्छा, कॉस की वैल्यू हाफ कब होती है? थोड़ा सोचिए, अगर मैंने एक्स को 60 रखा, लेट्स ट्राई दिस, तो कॉस एक्स मतलब कॉस 60 हो जाएगा कॉस एक्स। ओके, एंड दिस इज नथिंग बट हाफ, करेक्ट बच्चा? वाई को भी मैंने अगर 60 रखा, 60 रख सकते हैं, यस, क्यों? क्योंकि बोला है ना 0 और 180 के बीच की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं आप, लेकिन वैल्यू कोई भी रखने से ये रिलेशन ट्रू होना चाहिए। सी दिस इज रिलेशन गिवन, है ना, जो गिवन रिलेशन है वो फॉलो करना पड़ेगा ना, राइट? जो गिवन है रिलेशन वो हमें हमेशा फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो वाई को 60 रखा तो कॉस वाई क्या हो जाएगा बच्चा? कॉस वाई भी कॉस 60 हाफ हो जाएगा। हाफ और हाफ है ना, तो चलो ये 1 हो जाएगा। इसका क्या, चल ट्राई करते हैं। अगर एक्स प्लस वाई की बात देखें तो 60 प्लस 60 कितना हो जाएगा बेटा? ये 120। तो cos of x plus y will be nothing but cos of 120। अब cos 120 कितना होता है? सर सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू है ना, यस। जड़ी बूटी में देखा था ना कैसे निकालते हैं 120, जड़ी बूटी देखो है ना, सीरीज बनाई है आपके लिए। तो cos 120 सेकंड क्वाड्रेंट निगेटिव होगी वैल्यू, और 60 से बराबर, क्यों? 180 माइनस 60, करेक्ट, यस सर। तो इट इज हाफ बट निगेटिव हाफ। अब आप खुद ही देखोगे, देखो कॉस एक्स प्लस कॉस वाई है ना, ये रिलेशन जो है अब क्या हो गया। तो कॉस एक्स था हाफ आपका, कॉस वाई भी हाफ, माइनस ऑफ ये माइनस हाफ आया है। तो देखिए ये क्या हो रहा है, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, यस इट इज कमिंग आउट टू बी 3/2, यस सर। मतलब एक्स वाई को 60 60 रखने से रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है। इट इंप्लाइज एक्स इक्वल टू 60 रख सकते हो, वाई इक्वल टू 60 रख सकते हो। इतना खतरनाक ऑब्जर्वेशन अगर आपको बनता गया तो ये क्वेश्चन विदाउट फॉर्मूले सॉल्व हो गया। हार्डली विल टेक 1 मिनट यार, जेई का क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर, बहुत बढ़िया। देखो मैंने कैसे सोचा, 3/2 कैसे बनेगा? 3/2 हाफ 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 से बन सकता है, यही एक पॉसिबिलिटी दिखती है। हाफ 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 कैसे बन सकता है? तो एक्स को 60, वाई को 60 और एक्स प्लस वाई 120, विच इज अगेन माइनस, तो वो पूरा बराबर बन गया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे। तो एक्स और वाई को 60 60 रख सकते हैं। एंड नाउ व्हाट आर वी सपोज टू फाइंड? तो हमें पूछा गया था साइन एक्स प्लस कॉस वाई, इसका मतलब एक्स वाई 60 60 है, तो इट विल बी साइन 60 प्लस कॉस 60। व्हाट इज साइन 60 बच्चों? √3/2, cos 60 इज 1/2, सो मेरा आंसर होना चाहिए √3 प्लस 1/2। देखिए ऑप्शन में है क्या ऐसा, √3 प्लस 1/2 पहला तो नहीं है, दूसरा यस, बाकी ऑप्शंस नहीं है। सो आई कैन क्लियरली सी कि ऑप्शन 2 बिकम्स माय आंसर। जेई मेन्स 2020 में 4 मार्क है ना, वेरी हैप्पी, राइट? 4 मार्क्स मिल गए आपको बच्चों ट्रिग्नोमेट्री पे, जिसके फॉर्मूले से हमें बड़ा डर लगता है, समझ लो। खुश हो? खुशी हो रही है? नहीं सर, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, बहुत ही बढ़िया, खुशी हो रही है। तुरंत रुको और क्या, लाइक कर लो।
अपने एक फ्रेंड को शेयर करो, एटलीस्ट एक फ्रेंड को ये वीडियो शेयर करो यार। देखो सबका फायदा होना चाहिए कि नहीं, ठीक है? आपका फायदा हो रहा है, आपके फ्रेंड्स का भी तो फायदा होना चाहिए, राइट? अच्छी बात मिल रही है आपको, ओके। और साथ साथ में नोट्स बना रहे हो ना, ये सारे नोट्स बनाते रहिए। ये पीडीएफ फॉर्म में भी आपको मैं दे दूंगा ना, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में कमेंट में डाल दूंगा, ठीक है? तो पीडीएफ भी आप ले सकते हो, बट खुद से लिखो, खुद से समझो, ठीक है बच्चों? मजा आया? चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, अच्छा सोचो तो इसके बारे में, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या करूंगा मैं, कैसे करूंगा मैं? ये T1 क्या है? तो टैन थीटा पावर टैन थीटा। तो सबसे पहले जुगाड़ लगाते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है, थीटा किसके बीच में लाई कर रहे हैं? थीटा बिलोंग्स टू 0 टू π/4, और 0 और π/4 ओपन है, मतलब 0 और π/4 नहीं यूज करेंगे। 0 और 45 के बीच में कौन सा एंगल पता है? सर एक ही पता है, 30 डिग्री। यस, 30 डिग्री या π/6, है ना? तो हम थीटा को π/6 यूज करने वाले हैं, बस यही मेरा जुगाड़ है यहाँ पे। सो टैन थीटा क्या हो जाएगा बेटा? टैन 30, विच इज नथिंग बट 1/√3। एंड कॉट थीटा क्या हो जाएगा बच्चों? कॉट 30 हो जाएगा, जो कि क्या होता है? √3। चलिए ना, इतना तो समझ में आया कि टैन 30 या टैन थीटा 1/√3, ओके, एंड कॉट थीटा, कॉट 30 हो जाएगा, विच इज √3। डन। अब क्या निकालना है मुझे? मुझे T1 निकालना है। T1 इज टैन थीटा पावर टैन थीटा, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1/√3 पावर 1/√3, ठीक है? पर अगर कोई जानता है तो 1/√3 की वैल्यू थोड़ा बहुत निकाल सकते हो, आपको निकालना हो तो 1/1.7 या तो रखो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? 1/1.7 अगर आपको निकालना हो, 17 का टेबल 85/8, तो 0.6 के अराउंड होगा ये, राइट? सो आई कैन क्लियरली से, अगर लिखना चाहो तो जो भी है, 1 से नीचे अगर आप लिखना चाहो तो यस, ना 0.6 पावर 0.6 अप्रोक्स बोल रहा हूं मैं। आपको पता है √3 का वैल्यू 1/1.7, ऐसा ले सकता हूं और ये अराउंड 0.6 आ जाएगा, तो ऐसी हो गई सर ये वैल्यू। यस, ओके। चलो फिर नेक्स्ट, T2 क्या है? T2 है टैन पावर कॉट, सो टैन थीटा पावर कॉट थीटा, ओके बेटा? सो टैन थीटा मतलब 1/√3 और कॉट थीटा मतलब √3, तो दिस इज अप्रोक्सिमेटली 0.6 पावर 1.7, है ना? √3 को मैं 1.7 ले रहा हूं, है ना? होता है ना 1.73 वगैरह वगैरह, 1.7 ले लो, अप्रोक्सीमेशन। क्लियर आंसर तो चाहिए नहीं मुझे, बस कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। T3 क्या है बेटा? सो कॉट पावर टैन, तो T3 है कॉट थीटा पावर टैन थीटा। ये क्या हो जाएगा? कॉट थीटा मतलब √3 है पावर 1/√3, मतलब 1.7 पावर 0.6। एंड T4 एक ही बचा है कॉम्बिनेशन, कॉट पावर कॉट, तो ये तो हो गया √3 पावर √3, मतलब 1.7 पावर 1.7। अब ये चार में से सबसे बड़ा कौन, बस इतना डिसाइड कर लो तो बात खत्म हो जाएगी। 0.6 पावर 0.6 ये तो छोटा होगा ना बहुत, 0.6 पावर 0.6, 0.6 पावर 1.7 ये भी बहुत छोटा होगा, 1.7 पावर 0.6 ये थोड़ा बड़ा है इनसे, राइट? लेकिन सबसे बड़ा तो ये होगा सर, है कि नहीं? 1 से बड़ी वैल्यू है ऊपर भी और पावर में भी, राइट? मतलब नंबर भी और पावर में भी सबसे बड़ा, तो आई कैन क्लियरली अंडरस्टैंड। क्या समझते हो? देखो ये चारों वैल्यू को कंपेयर करो, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू, सबसे बड़ा कौन सा होगा यार? वेरी श्योर, मैं तो बहुत श्योर हूँ, आप हो क्या? है ना, 1.7 पावर 1.7, नंबर भी 1 से बड़ा और उसका पावर भी 1 से बड़ा, इजंट इट? यस, सो T4 विल बी द ग्रेटेस्ट, तो आई एम वेरी श्योर T4 इज ग्रेटेस्ट, राइट? T4 ग्रेटेस्ट होगा। अब चलिए ऑप्शंस की तरफ, T4 सबसे पहले आना चाहिए, ये है क्या? नहीं, जो T4 है यहाँ पे, T4 सबसे ग्रेटेस्ट है, चलो ये हो सकता है, यहाँ T3 बोला है सबसे ग्रेटेस्ट, तो ये नहीं होगा, T2 नहीं, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट? ऑप्शन बी इज आवर आंसर। कौन सा ऑप्शन आ गया? ऑप्शन बी, राइट? जेई का एक और क्वेश्चन आपने बड़े आराम से कर लिया, वैसे तो सॉल्व करने में बहुत दिक्कत हो जाती, आप सोचते यार सर बहुत टफ है ये, बट 0 और 45 के बीच का आप वैल्यू, यही तो जुगाड़ है, सब्स्टिट्यूशन, दिस इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन। यू कैन सब्स्टिट्यूट 0 से π/4, ये बोले ना कोई भी वैल्यू। सर 15 क्यों नहीं रखा? 15 के बारे में पता नहीं ना, टैन 15 क्या होता है, राइट? 30 के बारे में पता है इसलिए मैंने 30 रखा, 0 से 45 के बीच का कोई वैल्यू। सर 0 रख सकते थे क्या बेटा? 0 इंक्लूडेड नहीं है। 45 रख सकते थे क्या? 45 इंक्लूडेड नहीं है, राइट? वो ओपन ब्रैकेट, तो उसके बीच का ही रखना पड़ेगा। गॉट इट बच्चों? ठीक है, तो और जो 30 के लिए रिलेशन रहेगा ना, वो सभी के लिए रहेगा, बिकॉज वो कह रहा है जो भी है वो 0 और 45 के बीच के सारे, 10 के लिए, 20 के लिए, 30 के लिए, 35 के लिए, सबके लिए 45 तक।
समझ रही हो बात? राइट, सब लोगों को समझ रही है बात? टैन थीटा और कॉट थीटा की वैल्यूज यूज करके हम ये रिलेशंस निकाल रहे हैं। सर मुझे ना कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, ये सबसे बड़ा कैसे? देखो बच्चों, बेस भी वन से बड़ा है, पावर भी वन से बड़ा है, इससे ज्यादा और क्या कहना है हमको? ये नंबर तो 1.7 से बड़ा होगा ना, राइट? अच्छा, इसमें सबसे छोटा कौन सा होगा? तो वेरी श्योर ये सबसे छोटा होगा, राइट? सबसे छोटा देखो T2 है, करेक्ट? ये कैसे समझ में आया सर? T2 ही सबसे छोटा होगा। देखो नंबर बेस जो है वो छोटा है, उसका पावर आपको पता है? अगर आप 0.6 का स्क्वायर करते, आप 0.6 का स्क्वायर करते तो ये 0.36 होता, मतलब और छोटा होता ना नंबर, राइट? तो जैसे पावर बढ़ता है, अगर बेस वन से नीचे हो, बेसिक बेसिक चीजें हैं, राइट? तो आई एम वेरी श्योर कि T2 इज द स्मॉलेस्ट आउट ऑफ दिस। तो मतलब ये दोनों चीजें आप यूज कर सकते हो अगर आपके पास है ना। तो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट कौन सा है आपको अगर पता चल गया तो आपका सीक्वेंस बन गया, T4 सबसे बड़ा, T2 सबसे छोटा, राइट? तो ये आपका इस तरह सॉल्व करना है ना, जुगाड़ जुगाड़ जुगाड़। मजा आ रहा है? चलो बहुत अच्छे। ये कुछ से करना चाहोगे? पॉज कर दो, देख लो करके कुछ से। कहाँ पे हम जुगाड़ लगाते हैं? ये रिलेशन हमारे लिए सबसे काम का होता है जुगाड़ लगाते वक्त, राइट? अल्फा किसके बीच में बोला गया है? 180 से 270। चलो कोई वैल्यू देख लेते, 180 से 270 कोई भी रख ले। ओके चलो, अल्फा का वैल्यू मैं रख लेता हूँ 240 डिग्री, राइट? अल्फा का वैल्यू मैंने ऐसे ही अपने मन से रख लिया। सर 210 चलेगा क्या? चलेगा, आप लगा दो, जो लगाना है लगा दो। मैंने 240 डिसाइड किया, क्यों? क्योंकि कॉस का वैल्यू, हमें कॉस सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ना, इजी है। क्या होता है सर? कॉस अल्फा क्या हो जाएगा बेटा? कॉस 240। कॉस 240 कैसे निकालोगे आप? कॉस ऑफ 180 प्लस 60। 60 की हेल्प से हो रहा है ना, मतलब 60 का और इसका वैल्यू सेम होगा। कौन सा क्वाड्रेंट है ये? 240 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली टैन इज पॉजिटिव। यहाँ क्या होता है? ASTC रूल याद है? तो कॉस नेगेटिव होगा। देखो जिनको ये 240 अभी भी निकालना नहीं आता, जुगाड़ वाली सीरीज देखिए, हाँ उसमें मैंने काफी अच्छे से बताया हुआ है कि कैसे आप एंगल्स निकाल सकते हो, ठीक है? तो 180 प्लस 60, 60 का और इसका आंसर सेम रहेगा, एंड सिंस इट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट ASTC रूल तो -1/2। चलिए अब हमारा प्रॉब्लम क्या है, जो क्वेश्चन है उसको करते हैं। तो 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा, ये पहला पार्ट, प्लस रूट ऑफ 1 प्लस कॉस अल्फा अपॉन 1 माइनस कॉस अल्फा। जहां जहां कॉस अल्फा है वहां ये वैल्यू रखूंगा, है ना? देखा ना बेटा आपने? यस सर। तो क्या होगा? रूट ऑफ 1 माइनस माइनस हाफ अपॉन 1 प्लस माइनस हाफ, प्लस यहां पे भी क्या होगा? 1 प्लस माइनस हाफ एंड 1 माइनस माइनस हाफ। समझ आ रहा है ना सबको? 180 से 270 के बीच का कोई भी नंबर, कोई भी वैल्यू ले सकते थे, मैंने 240 लिया, क्यों? कॉस का वैल्यू हाफ होता है, नेगेटिव हाफ। तो ऊपर हो गया ये 1 प्लस पूरा, दिस इज 3/2, नीचे 1/2, यहां उल्टा है बस, ऊपर 1/2 नीचे 3/2, गॉट इट बेटा? तो ये 2 2 जो डिनोमिनेटर का है ये कट हो जाएगा सर, करेक्ट? तो यहां बचा √3/1, मतलब √3, और ये उसका उल्टा है 1/√3, ठीक है? तो ये क्या हो गया, देखा आपने? 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, सो 3 प्लस 1/√3, सो आंसर इज 4/√3। ओके 4/√3 मेरा आंसर आना चाहिए, ठीक है? अब फिर अच्छे से समझो, कॉस अल्फा का वैल्यू रखना है, रखा हमने कॉस अल्फा का वैल्यू, राइट? और कॉस अल्फा की वैल्यू रखने के बाद बस सिंप्लीफाई। सर ये सॉल्व कैसे किया? माइनस माइनस प्लस, और 1 प्लस हाफ 3/2 होता है बच्चा, इतना तो आना चाहिए ना हमको। ये 1 माइनस हाफ हो गया, विच इज हाफ, और इसका उल्टा है बस ये, राइट? ये वाला पार्ट तो उल्टा ही है, तो अगर ये √3 आया तो ये 1/√3 आना ही चाहिए, ठीक है? और क्रॉस मल्टीप्लाई तो √3 × √3, ये 3 हो जाएगा, 3 प्लस 1/√3 4/√3, ठीक है? चलिए देखिए ऑप्शन, 4/√3 है क्या? नहीं है सर। अच्छा साइन अल्फा में है, अच्छी बात है। अब ऑप्शन की बारी ना, साइन अल्फा में है ऑप्शन, ठीक है बेटा? अब आप ऑप्शन जब देखना चालू करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन 2/sin α। अब साइन अल्फा का मतलब क्या बेटा? पहले तो साइन अल्फा का मतलब क्या होगा? साइन अल्फा इज साइन 240। आपने अल्फा क्या रखा था? 240। सेम वैल्यू जो आपने अल्फा का क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त रखा था, वही आपको ऑप्शन में भी पुट करना है। साइन ऑफ 240 कितना होगा? अगेन 60 से बराबर, थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव, √3/2। तो ये क्या हो जाता है? 2 अपॉन -√3/2, तो ये आ रहा है -4/√3। विल इट बी द आंसर? नो सर, राइट? ये ऑप्शन नहीं होगा, राइट? एलिमिनेट कर रहे हैं हम ऑप्शंस को। सब्स्टिट्यूट क्या वैल्यू?
अब इलिमिनेशन, दिस इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन एंड इलिमिनेशन, इस जुगाड़ का है ना नाम ही ये रखेंगे हम लोग। सेकेंड ऑप्शन माइनस टू बाय साइन अल्फा, माइनस टू बाय साइन अल्फा, अगेन माइनस टू बाय साइन अल्फा का वैल्यू क्या था बेटा, माइनस रूट थ्री बाय टू, माइनस माइनस कट ये फोर बाय रूट थ्री आ गया। सर ये होगा मेरा आंसर, ये होगा सही बात है, लेकिन अभी भी आप बाकी ऑप्शन चेक करो ना सर, बाकी क्यों करना है, कभी कभी क्या होता है दो ऑप्शन सेम आ सकते हैं, आपको समझेगा आने वाले वीडियोस में और ऐसे एग्जांपल्स लूंगा मैं। बट चारों ऑप्शन चेक करो और एलिमिनेट द रेस्ट थ्री ताकि हम कह सके तो 1 बाय sin अल्फा 1 बाय माइनस रूट थ्री बाय टू माइनस टू बाय रूट थ्री, ये तो नहीं है हमारा। एंड फोर्थ फोर्थ ऑप्शन क्या है बेटा देखिए, तो माइनस 1 बाय sin अल्फा, तो माइनस 1 बाय sin अल्फा जब करोगे इट विल बी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन माइनस रूट थ्री बाय टू टू बाय रूट थ्री, ये भी नहीं है। तो हम क्लियरली कह सकते हैं ए सी डी डिलीट हो गया हमारे लिए, तो आंसर इज ऑप्शन बी। राइट, आंसर कौन सा आया, ऑप्शन बी आया, इजंट इट। कुछ बच्चे कहेंगे सर मैं फॉर्मूला से भी कर सकता हूँ, कर सकते हो करो, बट मैं यहाँ आपको जुगाड़ सिखाने आया हूं ना, ठीक है। अगेन ये क्वेश्चन भी जेई मेन सीईटी है ना उन एग्जाम्स में आ सकता है, आया हुआ है। देखा आपने क्या किया, अल्फा की वैल्यू इसके बीच की रखी और बस, और फिर ऑप्शंस तो हमारा सॉल्व करके 4 बाय रूट थ्री आया था, ऑप्शन में भी कौन मुझे 4 बाय रूट थ्री दे रहा है, दैट गिव्स मी द आंसर, तो ऑप्शन बी इज माय आंसर। अंडरस्टूड बच्चों, इजंट इट इजी, बहुत बहुत इजी है। चलो अब टाइम आ गया आपकी बारी, अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो, एलिमिनेशन करो, जैसे करना है, दिस इज अ स्टार क्वेश्चन फॉर यू, और ऑप्शन पक्का कमेंट में दीजिएगा। राइट, तो y is given as 1 plus tan a into 1 minus tan b, where a minus b is equal to pi by 4, then y plus 1 power y plus 1 is equal to, बच्चों आपको जो वैल्यू रखनी रखिए, लेकिन याद रखना ये रिलेशन ट्रू होना चाहिए, a minus b pi by 4 मतलब 45 होना चाहिए। राइट, तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज अकॉर्डिंगली ना, a एंड b के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, तो आपका आंसर क्या आया, आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया ना, सारा कमेंट में लिखिए। I would be very happy to read your comments to understand यार आप लोगों को substitution समझ में आ रहा है क्या, easily click हो रहा है क्या, तो आप मुझे लिखेंगे A आपने क्या रखा, B आपने क्या रखा, answer क्या आया, और कितने जल्दी कितने seconds में किया, within 1 minute, within 30 seconds, ठीक है। तो ये अच्छा अच्छा question आपके लिए, okay, तो ये आपको solve करना है बेटा। तो कैसा रहा आज का session, how was it, तो बस आपके feedback आपके comment ही हमें और motivate करते हैं videos बनाने के लिए, या आपकी और अलग अलग, अभी हम ट्रिग्नोमेट्री पे बात कर रहे हैं पहले 3-4 लेक्चर्स, फिर धीरे धीरे अलग चैप्टर्स पे भी करेंगे। इसके अलावा मेरी और अलग अलग सीरीज है, जड़ी बूटी सीरीज या चलो कॉलेज सीरीज या प्रधान सीरीज, जिसमें हम बहुत सारी अलग अलग चीजें डिस्कस कर रहे हैं, सारा आपके लिए बहुत यूजफुल है। तो फटाफट आप भी यूज करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, एंड स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी। थैंक यू बच्चों, अगर आप मुझसे लाइव सेशंस में जुड़ना चाहते हैं, लाइव क्लासेस मेरी अटेंड करना चाहते हैं, तो आप मुझसे नून ऐप पे मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं। नून ऐप में काफ़ी अलग अलग बैचेस, काफ़ी अलग अलग कोर्सेज हम रन करते हैं फॉर क्लास 11th एंड क्लास 12th। फ्री है बहुत सारे कोर्सेज, और कुछ कोर्सेज पेड भी है बहुत मिनिमम फीस के साथ। उमंग बैच इज़ वन ऑफ देम, जहाँ पे मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ रोज 8 बजे, 8 PM। तो प्लीज़ डाउनलोड द नून ऐप फॉर लाइव क्लासेस। व्हाट आर द स्टेप्स, तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देन यू नीड टू ज्वाइन द स्टडी ग्रुप बाय अंकुश सर, राइट। तो आप सर्च करोगे अंकुश झवर फॉर मोर कोर्सेज इन दैट ऐप, और आपको मेरे सारे कोर्सेज दिखेंगे, क्लास 11th, क्लास 12th, फ्री, पेड, एवरीथिंग। तो गेट कनेक्टेड एज सुन एज पॉसिबल, एंड लेट्स गेट गोइंग। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।